भोगने वाले नेताओं के द्वारा लोकहित में स्थापित कल कारखानों योजनाओं के प्रति ध्यान न दिए जाने के कारण औद्योगिक उपकरण जहां बंद हो रहे हैं, वहीं इनको चालू करने को लेकर कोई ठोस योजना न बनने से लोगों में भारी रोष व्याप्त है। इस प्रकार की लापरवाही का नजारा देखना है तो साहब बलिया जनपद मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर रसरा के माधोपुर में देखा जा सकता है, जहां रोजगार सृजन एवं कृषक उन्नयन के लिए 1975 की दशक में स्थापित की किसान सहकारी चीनी मिल रसरा को सरकार द्वारा घाटा दिखाकर बंद कर दिया गया, जिसके कारण कभी हमेशा एक एकड़ भूमि गुलजार रहने वाली चीनी मिल परिसर में अजीब मौत का सन्नाटा कायम हो गया है। यहाँ आने पर यहाँ का कट कर मानो यही कहता है कि ए लोकतंत्र के ठेकेदारों, हमारे भी अच्छे दिन व नया जीवन दो, ताकि मैं हजारों किसानों के तरक्की और हजारों श्रमिकों के रोजी रोटी का साधन बन सकूं। बताते चले कि यह मिल स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 1975 के दशक में स्थापित किया था, तभी से इसमें घाटे में डाल दिया तथा नेताओं व अधिकारियों की लीपापोती पूर्ण कारगुजरियों से मिल की हालत दिन ब दिन खराब हो गई, जिसके कारण सभी को खुशी तरक्की देने वाली यह मिल आज अपने ही हाल पर आंसू बहा रही है, क्योंकि इसे अब बंद कर दिया गया है, जबकि एक बोर्ड भी भीख मांगने वाले अलग नेता इसे चालू करने के लिए केवल डायलॉगों के प्रहार के सिवा कुछ भी नहीं करते, जिसमें क्षेत्र के किसानों श्रमिकों में भारी रोष व्याप्त है। बताते चले कि रसरा गन्ना उत्पादन में अव्वल क्षेत्र रहा है, किंतु यहाँ चीनी मिल की दयनीय हालातों ने किसानों को गन्ने की खेती न करने की ओर मोड़ दिया, जिसके कारण यहाँ गन्ने की खेती शून्य पर पहुँच गई है। ऐसे में लोगों का मानना है कि यदि मिल को चालू करने के दावे पर अमल भी किया गया तो सरकार को गन्ना उत्पादन को प्रोत्साहित करना होगा तथा गन्ना मूल्य भुगतान की नीति भी करना होगा, क्योंकि यदि ऐसा किया गया तभी रसरा चीनी मिल को नया जीवन प्राप्त हो पाएगा। गौरतलब हो कि रसरा क्षेत्र में स्थापित चीनी मिल कटाई मिल के बंद होने से व्यापारिक प्रतिष्ठान पर भी काफी प्रतिकूल असर पड़ा है। यदि किसी तरह मिल चालू किया गया तो क्षेत्र के किसानों श्रमिकों के अलावा यहां के व्यापार के लिए वरदान साबित होगा। आदमी के अभाव में जो है मैं सिक्योरिटी में काम कर रहा हूं। अच्छा, कब से आपकी ज्वाइनिंग हुई थी? हमारी 75 से सर। तो 75 में यहाँ पे मिल में कितने आदमी मजदूर? काफी आदमी थे साहब, तभी लमसम लमसम हजारों आदमी का लमसम में थे आदमी। अच्छा। हाँ, 800 आदमी डेली मतलब थे, और जो है अब इस समय तो मतलब धीरे धीरे सब लोग मतलब रिटायर हो गए, आदमी के अभाव में हम लोग यहाँ मतलब इसी तरह से माने 75 के दशक में यहाँ हमेशा गुलजार रहता था। हजारों मजदूरों जो है यहाँ पे काम करते थे, और यहाँ का चीनी जो है विदेशों में सप्लाई हुआ करता था, और 61 एकड़ की जो भूमि जो हमेशा कभी गुलजार रहा करते है, आज जो है अपनी बदहाली पे आंसू बहा रही है। जी, सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? साहब, सरकार से यही चाहेंगे साहब कि इसको मरम्मत हो जाए या बन जाए, मतलब कि हम लोग की रोजी रोटी बरकरार हो जाए सर। हैं, इस जंगलात में अंधेरे में हम लोग जान अपना गांव जोखिम में डाल करके मर रहे हैं। हैं, जंगलात चारों तरफ है, बाउंड्री से। टीवी हेलो न्यूज़ के लिए बलिया से मुमशाद अहमद की रिपोर्ट।